मैं मीमांसा मलिक महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स के पांचवे एडिशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार, मैं रोहित सरदाना इस खास मौके पर आप सबका स्वागत करता हूँ। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए तकनीक बेहद जरूरी है। हम जितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जरूरी है कि उसी रफ्तार से हमारी तकनीक में भी बदलाव किया जाए, और इस बात को बखूबी समझा है विश्व की नंबर वन ट्रैक्टर कंपनी महिंद्रा ने। अर्जुन नोवो एक ऐसा ट्रैक्टर है जो खेती के अंदाज को बदल देगा। अपने आप में अद्भुत तकनीक की मिसाल है अर्जुन नोवो। आज शाम हम आप सभी को ऐसे किसानों से रूबरू कराएंगे जो मेहनत और कर्म निष्ठा की मिसाल है। धूप है, छांव है, जलता उसका पांव है, धारा के विपरीत बहती उसकी नाव है। जिसने भूख मिटाई उसको कहते भगवान है, जिसने हमको अन्न दिया वो भारत का किसान है। ये सच है कि जब एक किसान अपने पसीने से धरती सींचता है, तब जाकर उस पर अनाज उगता है, और यही अनाज करोड़ों लोगों के पेट की भूख मिटाता है। हमारे देश की समृद्ध तस्वीर फल सब्जियों से सजे बाजार और अनाज से भरे गोदाम के पीछे किसी न किसी किसान की मेहनत है। आज का शिक्षित किसान 21वीं सदी के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे इन्हीं किसानों और कृषि संस्थाओं की मेहनत और महिंद्रा जैसे कॉरपोरेट हाउसेस की उन्नत तकनीक का ही नतीजा है कि हमारा देश अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो पाया है। इसीलिए जरूरी है कि जिनकी बदौलत आज हमारा अस्तित्व है, उन्हें रोज को उनकी सही पहचान मिले। इसी सोच के साथ साल 2011 में महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स की शुरुआत की गई। अवार्ड से मिले प्रोत्साहन से किसानों में कुछ नया करने का जोश भर गया, जिसका सबूत है हर साल बढ़ रही नॉमिनेशंस की संख्या। महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2015 समारोह है किसानों की कामयाबी का, कृषि से जुड़े हर भागीदार पर हमारे भरोसे का और दृढ़ विश्वास का कि एक दिन इसी कड़ी मेहनत से हम अनाज उत्पादन में अव्वल बनेंगे। आज की शाम हम सलाम करेंगे कृषि जगत से जुड़े उन किसानों और संस्थाओं को जो अपनी कड़ी मेहनत के साथ नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से देश की तरक्की में अपना योगदान दे रहे हैं। आज की शाम हम जानेंगे प्रगतिशील किसान अपनी कामयाबी को कैसे अपने तक सीमित न रखकर बाकी किसान भाइयों के साथ बांट रहे हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की जाती है। अनुरोध करते हैं अपने गणमान्य अतिथियों से कि कृपया दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर पधारें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमारी गुजारिश है श्री पवन गोयंका जी से कि वो इस खास मौके पर अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में मानसून और चेंजिंग वेदर के कारण काफ़ी अनसर्टेनिटी रहती है, जिससे कि फार्मर्स अपने खेतों का पूरा लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसलिए एक समृद्धि नॉलेज सेंटर, एक यूनिक एग्रीकल्चर नॉलेज मैनेजमेंट के इनिशिएटिव को आज लॉन्च कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में हम 150 क्रॉप्स के लिए डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे, और मैं आदरणीय मंत्री महोदय से गुजारिश करता हूं कि मंच पे आएं और इस इनिशिएटिव को लॉन्च करें। धन्यवाद। भारत
एक कृषि प्रधान देश, भारत के उत्पाद एवं रोजगार में कृषि का योगदान अनदेखा नहीं किया जा सकता। देश की प्रगति सफल किसान से ही संभव हो सकती है। सफल किसान समृद्ध देश, और देश की समृद्धि में कृषि ज्ञान का महत्व महिंद्रा अच्छी तरह समझता है। ज्ञान जो हर किसान का हक है, ज्ञान जो सुलभता से और आवश्यकता अनुसार मिले, इसी दिशा में महिंद्रा की एक पहल। प्रस्तुत है समृद्धि नॉलेज सेंटर, कृषि ज्ञान का एक बेहतरीन कोष, जहां आवश्यकता अनुसार कृषि विषयक जानकारी आपको आपकी भाषा में मिलेगी। अचूक जानकारी जो कृषि के हर पहलू को छू जाए और उत्पादकता बढ़ाए, यहां आपको मनचाही जानकारी कम से कम क्लिक्स में मिलेगी। यही है कृषि ज्ञान पाने का ऑनलाइन बोधि वृक्ष। आइए मिलकर शुरू करते हैं कृषि प्रगति यात्रा समृद्धि नॉलेज सेंटर के साथ। www.agripedia.co.in। और एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री आनंद महिंद्रा का। और अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी श्री आशीष बहुगुणा को। आशीष जी, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। महिंद्रा का नया एजेंडा है फार्मिंग द फ्यूचर। महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स का ये 5वां साल है, जो अपने आप में इसकी कामयाबी की कहानी को बखूबी बयां करता है। तो आज की शाम यहाँ मौजूद कृषि जगत से जुड़ा हर शख्स हमारे जीवन में बहुत खास जगह रखता है, क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी खुशहाली उन्हीं पर निर्भर करती है। जब वो तरक्की करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। वैसे हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, इसलिए जब बात महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2015 के विजेताओं को चुनने की आई, तो ये काम ग्रैंड ज्यूरी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। किसानों के खिलखिलाते चेहरे बताते हैं कि भारतीय कृषि अपने सुनहरे दौर से गुजर रही है। देश के किसान और कृषि जगत से जुड़ी संस्थाएं कृषि की तस्वीर को संवारने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड 2015 ऐसे ही लोगों का हौसला बढ़ाने का उत्सव है, जिसका हिस्सा देश में कृषि से जुड़ा हर शख्स बनना चाहता है। इस साल 8 कैटेगरीज में देश भर से लगभग 48,000 नॉमिनेशन आए। इस सम्मान के हकदार को चुनने के लिए सबसे पहले एक्सपर्ट ज्यूरी ने हर नामांकन को बारीकी से परखा। कई पड़ाव से होते हुए आखिर में ग्रैंड ज्यूरी के पास उम्मीदवारों के नाम और काम का ब्यौरा पहुंचा। सबसे बेहतर उम्मीदवार ही विजेता बने, इसके लिए एग्रीकल्चर सेक्रेटरी श्री आशीष बहुगुणा, पद्मश्री डॉक्टर अशोक गुलाटी और कृषि से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों को ग्रैंड ज्यूरी में शामिल किया गया। अपने लंबे अनुभव के आधार पर ग्रैंड ज्यूरी ने उम्मीदवारों द्वारा अपनाई जा रही तकनीक के फायदे, लंबे समय में उनकी उपयोगिता जैसे कई पहलुओं का मुआयना किया और विजेताओं के नाम पर मुहर लगा दी। इस प्रक्रिया और विजेताओं के चुनाव की पारदर्शिता की जांच मशहूर एजेंसी लोड स्टार ने की। इस तरह सामने आए हैं वो संस्थान और चेहरे जो भारतीय कृषि जगत को नया आयाम और पहचान दे रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सम्मान समारोह की। अच्छे उत्पादन के लिए जरूरी है सटीक जानकारी। किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, कामयाबी पाने के लिए एक साथ सबका मिलकर चलना बहुत जरूरी होता है। तो आज की पहली कैटेगरी है महिंद्रा समृद्धि कृषि संस्थान सम्मान। इस कैटेगरी में हम एक रनर अप और एक नेशनल विनर चुनेंगे। रनर अप को 1,11,000 रुपए और नेशनल विनर को 2,11,000 रुपए सम्मान के रूप में दिए जाएंगे। तो आइए नजर डालते हैं इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस पर।
महिंद्रा समृद्धि कृषि संस्थान सम्मान के नॉमिनेशंस हैं ICAR डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड मस्टर्ड रिसर्च राजस्थान, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना तमिलनाडु। तो मंच पर तालियों के साथ स्वागत कीजिए नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना तमिलनाडु के डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफा का। इस संस्थान ने तमिलनाडु में केले की खेती में बड़ी क्रांति ला दी। अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं महिंद्रा समृद्धि कृषि संस्थान सम्मान के नेशनल विनर्स। ICAR डायरेक्टरेट ऑफ रेप सीड मस्टर्ड रिसर्च, ये वो इंस्टीट्यूट है जिसने पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों की तकदीर बदल दी। मॉनसून के बाद पानी की कमी और पौधों को लगने वाली बीमारियां यहां के किसानों के लिए बड़ी समस्या थी। इन समस्याओं के समाधान के लिए जीरो टिलेज कल्टीवेशन को प्रमोट करना शुरू किया। साथ ही सरसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आपने मधुमक्खियों की मदद से पॉलिनेशन कराया। वहीं फसल को कीड़ों से बचाने के लिए बोटानिकल पेस्टिसाइड्स के प्रयोग पर जोर दिया। रेप सीड मस्टर्ड कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए संस्था ने सुने सुनाए पीत क्रांति लाए नाम से वॉइस बेस्ड ई लर्निंग सिस्टम भी शुरू किया। हजारों किसानों को सही राह दिखाने के लिए ICAR डायरेक्टरेट ऑफ रेप सीड मस्टर्ड रिसर्च को PSO कैटेगरी में महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड 2015 से सम्मानित किया जाता है। ICAR डायरेक्टरेट ऑफ रेप सीड मस्टर्ड रिसर्च राजस्थान के डॉक्टर धीरज सिंह कृपया मंच पर आएं और ये सम्मान स्वीकार करें। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को इस सम्मान के लिए। और अब हम बढ़ते हैं अवार्ड्स की अगली कैटेगरी की तरफ। ये इस देश की खुशकिस्मती है कि यहाँ के कृषि शिक्षा संस्थान दिन रात मेहनत करते हैं ताकि किसान खुशहाली के लिए आसमान पर ही निर्भर ना रहें। इसी सोच के साथ जुड़ी है हमारी अगली कैटेगरी महिंद्रा समृद्धि कृषि शिक्षा सम्मान। और इस कैटेगरी में एक रनर अप और एक नेशनल विनर है। तो आइए पहले देख लेते हैं इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस। महिंद्रा समृद्धि कृषि शिक्षा सम्मान के नॉमिनेशंस हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। मंच पर स्वागत कीजिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के वाइस चांसलर डॉक्टर के एस कोखर का। तो आइए देख लेते हैं इस कैटेगरी में नेशनल विनर कौन है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सोयाबीन की खेती किसानों के लिए आमदनी का सबसे बढ़िया जरिया है। इन किसानों की तकदीर बदलने का श्रेय जाता है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय को। विश्वविद्यालय ने सोयाबीन के उत्पादन, उत्पादकता और खेती का क्षेत्र बढ़ाने के लिए अच्छी किस्म के बीज तैयार करने का काम शुरू किया। कुशल वैज्ञानिकों की मेहनत के बलबूते जल्द ही यूनिवर्सिटी बेहतरीन वैरायटी के बीज बनाने में सफल हो गई। इस वैरायटी के बीज से तैयार फसल देश में सोयाबीन की 94% मांग को पूरा करती है। कृषि में उत्कृष्ट योगदान के लिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय को कृषि शिक्षा संस्थान कैटेगरी में महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड 2015 से सम्मानित किया जाता है। और हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर विजय सिंह तोमर को। हम बढ़ते हैं अगली अवार्ड्स कैटेगरी की तरफ। किसान को हमारे देश में अन्नदाता कहा जाता था, लेकिन कहते हैं ना, कई बार मुश्किल परिस्थितियां हमें हमारी राह से भटका देती हैं। कृषि में गिरते मुनाफे के कारण किसान भी खेती से दूर होने लगा। महिंद्रा समृद्धि कृषि सहयोग सम्मान उन संस्थाओं को ही समर्पित है जो किसानों के सपनों को साकार करने में सहयोग दे रही है, उनकी मदद कर रही है। जी, तो फटाफट नजर डालते हैं इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस पर। महिंद्रा समृद्धि कृषि सहयोग सम्मान के नॉमिनेशंस हैं टाटा केमिकल सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट गुजरात, शमायता कृषि केंद्र पश्चिम बंगाल। तो मंच पर स्वागत कीजिए गुजरात के टाटा केमिकल सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट का।
वक्त आ गया है इस कैटेगरी के नेशनल विनर के बारे में जानने का। पश्चिम बंगाल का बांकुरा जिला देश के उन इलाकों में से एक है जहां खेती करना किसी चुनौती से कम नहीं था। इस मुश्किल घड़ी में शमायता कृषि केंद्र ने किसानों को सही राह दिखाई। इस एनजीओ ने एक इंटीग्रेटेड वाटरशेड मॉडल तैयार किया। संस्था ने बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए एक एकड़ जमीन के एक छठे हिस्से पर तालाब बनवाया और इसके आसपास खेती के लिए जमीन तैयार करवाई। इस तरह किसान एक साथ तीन फसलों का उत्पादन करने लगे। तालाब के पानी को सिंचाई के साथ बत्तख पालन के लिए भी इस्तेमाल किया गया, यानी हर तरफ से फायदा। यह संस्था के मॉडल का ही नतीजा था कि जिस जमीन पर पहले 13.5 क्विंटल फसल उगती थी वो बढ़कर 321 क्विंटल प्रति एकड़ हो गई। संस्था ने मार्केटिंग के लिए बांकुरा फ्रेश नाम का ब्रांड भी मार्केट में उतारा। शमायता कृषि केंद्र एनजीओ कैटेगरी में महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड 2015 से सम्मानित किया जाता है। और हम अनुरोध करेंगे शमायता कृषि केंद्र पश्चिम बंगाल की ऋषि रिद्धा अनाहता से, वो कृपया मंच पर आएं और ये सम्मान स्वीकार करें। हम बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ। गांधी जी ने कहा था कि अगर देश का विकास करना है तो गांव का विकास पहले करना होगा। उनके दिखाए रास्ते पर चलते हुए कई संस्थाएं हजारों ग्रामीण हिंदुस्तानियों के लिए उम्मीद की किरण साबित हो रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिंद्रा समृद्धि कृषि विज्ञान केंद्र सम्मान की, तो आइए एक नजर डालते हैं जल्दी से इसके नॉमिनेशंस पर। महिंद्रा समृद्धि कृषि विज्ञान केंद्र सम्मान के नॉमिनेशंस हैं कृषि विज्ञान केंद्र कुरनूल, कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ। तो तालियों के साथ मंच पर स्वागत कीजिए कृषि विज्ञान केंद्र कुरनूल के पी बालाजी का। और आइए अब ये भी देख लेते हैं कि इस कैटेगरी में नेशनल विनर कौन है। मध्य प्रदेश के किसान लगातार मेहनत कर रहे थे लेकिन बावजूद इसके खुशहाली कोसों दूर थी। किसानों की इन मुश्किलों को हल करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र ने टमाटर की खेती में रिज बेड सिस्टम का तरीका सुझाया। इस तकनीक में टमाटर की पौध लगाने से एक महीना पहले नर्सरी तैयार की जाती है। रिज में 90x75 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्तम किस्म के बीज बोए गए और लोहे की तारों से उसे सपोर्ट दिया गया। नतीजा, फसल की बर्बादी कम हुई और टमाटर का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 90 से 100 टन होने लगा। यही नहीं, विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके कदकनाथ पोल्ट्री ब्रीड को बचाने में भी आपने बड़ी भूमिका निभाई है, जो यहां के किसानों के लिए अतिरिक्त आय का साधन है। मध्य प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्र की इन कोशिशों के चलते उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र कैटेगरी में महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड 2015 से सम्मानित किया जाता है। हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ से डॉक्टर ए के सिंह और आई एस तुमर को। नॉन फार्मर कैटेगरी के जो अवार्ड्स हैं वो यहाँ पर खत्म होते हैं। अब रुक करते हैं महिंद्रा समृद्धि कृषि सम्राट सम्मान का। इस कैटेगरी में हम सबसे पहले उन किसानों को सम्मानित करेंगे जिनके पास जमीन 5 एकड़ से कम है। इस कैटेगरी में भी 3 रीजनल और 1 नेशनल विनर होंगे। रीजनल विनर को 51,000 रुपये और नेशनल विनर को 2,11,000 रुपये सम्मान के तौर पर दिए जाएंगे और साथ ही दी जाएगी एक चमचमाती हुई ट्रॉफी और एक सर्टिफिकेट। तो आइए नजर डाल लेते हैं इस कैटेगरी के नॉमिनेशन पर। महिंद्रा समृद्धि कृषि सम्राट सम्मान 5 एकड़ से कम के नॉमिनेशंस हैं। नॉर्थ जोन हरियाणा से कंवल सिंह चौहान, ईस्ट जोन बिहार से राकेश कुमार, वेस्ट जोन गुजरात से कुरैशी गफ्फार भाई, साउथ जोन कर्नाटक से श्रीकांत कुंभार। तो
तो जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत कीजिए बिहार के राकेश कुमार जी का, गुजरात के कुरैशी गफ्फार भाई से कि वो भी मंच पर आकर सम्मान स्वीकार करें। इनके बाद हम मंच पर बुला रहे हैं कर्नाटक के श्रीकांत कुंभार को। श्रीकांत जी, आपसे भी अनुरोध है, कृपया मंच पर आएं और सम्मान स्वीकार करें। और इस कैटेगरी में नेशनल विनर कौन है? मुनाफे के लिए ज्यादा जमीन नहीं, सही तकनीक की जरूरत है। इसे सच करके दिखाया हरियाणा के कमल सिंह चौहान ने। कम जमीन से ज्यादा फायदा कमाने के लिए आपने पेस्चराइज्ड चैम्बर्स में मशरूम की खेती शुरू की। साथ ही केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह मक्के के भूसे, वर्मी कॉम्पोस्ट और बायोगैस प्लांट रेजिड्यू से बनी खाद का इस्तेमाल किया। आपने ब्रांडिंग की अहमियत को समझा और अपने प्रोडक्ट को गोल्डन क्राउन और शेल माउंट के नाम से मार्केट में उतारा। साथ ही किसानों के लिए एक मिसाल बने कमल सिंह चौहान को महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स में लेस देन 5 एकड़ कैटेगरी में कृषि सम्राट सम्मान से सम्मानित किया जाता है। तालियों के साथ मंच पर स्वागत कीजिए इस कैटेगरी के नेशनल विनर हरियाणा के कमल सिंह चौहान और उनकी पत्नी का। एक किसान के लिए उसकी जमीन की अहमियत को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अब हम उन किसानों को सम्मानित करने जा रहे हैं जिनके पास 5 से 20 एकड़ जमीन है। आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस कौन कौन से। महिंद्रा समृद्धि कृषि सम्राट सम्मान 5 से 20 एकड़ के नॉमिनेशंस हैं। नॉर्थ जोन राजस्थान से खेमाराम चौधरी, ईस्ट जोन बिहार से अमिताभ आनंद, वेस्ट जोन मध्य प्रदेश से संतोष जाट, साउथ जोन आंध्र प्रदेश से रमेश रूपानी। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बिहार के अमिताभ आनंद का। हम मंच पर बुलाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के संतोष जाट को। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कृपया मंच पर पधारें और ये सम्मान स्वीकार करें। और इनके बाद हम मंच पर बुला रहे हैं आंध्र प्रदेश के रमेश रूपानी को। आप भी मंच पर आएं और ये सम्मान स्वीकार करें। और आइए अब देख लेते हैं 5 से 20 एकड़ कैटेगरी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें नेशनल विनर कौन है। कृषि में विकास का रास्ता तकनीक से होकर गुजरता है। इस बात को जयपुर के खेमाराम चौधरी ने अपने साथी किसानों से पहले समझ लिया। फल सब्जी की खेती में लगे खेमाराम को जमीन ज्यादा होने के बाद भी मुनाफा सीमित हो रहा था। इसे बढ़ाने के लिए आपने राजस्थान में सबसे पहले 4000 स्क्वायर मीटर में पॉली हाउस तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया। आपको असली उपलब्धि खरबूजे की खेती में मिली। आपने अनुभव किया कि अगर खरबूजे की बेल को धागे की मदद से ऊपर बांध दिया जाए तो न सिर्फ खरबूजे का आकार कहीं बड़ा होता है बल्कि उसकी संख्या भी बढ़ जाती है। आपने फसल को कीड़ों से बचाने के लिए गेंदे और खरबूजे की खेती एक साथ की। आपको 5 से 20 एकड़ कैटेगरी में महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड 2015 से सम्मानित किया जाता है। 5 से 20 एकड़ कैटेगरी में नेशनल विनर हैं खेमाराम चौधरी। जोरदार तालियां खेमाराम चौधरी के लिए और इन सब सम्मानित विजेताओं के लिए इस कैटेगरी में आज की शाम। और अब हम महिंद्रा समृद्धि कृषि सम्राट सम्मान में उन किसानों को सम्मानित करने जा रहे हैं जिनके पास 20 एकड़ से ज्यादा जमीन है। इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस कौन कौन से हैं? डालिए एक नजर। महिंद्रा समृद्धि कृषि सम्राट सम्मान 20 एकड़ से ज्यादा के नॉमिनेशंस हैं। नॉर्थ जोन राजस्थान से पूनम चंद पटीदार, ईस्ट जोन पश्चिम बंगाल से मोहम्मद मोइनुद्दीन, वेस्ट जोन गुजरात से अश्विन भाई गेडिया, साउथ जोन तमिलनाडु से आर बंगारू। तो मंच पर स्वागत कीजिए राजस्थान के पूनम चंद पट्टीदार का। और इसके बाद अब हम मंच पर बुलाने जा रहे हैं गुजरात के अश्विन भाई गढ़िया को। आपसे भी अनुरोध है कि कृपया मंच पर आएं और ये सम्मान स्वीकार करें।
64 साल के आर बांगड़ू साहब का स्वागत कीजिए मंच पर जोरदार तालियों के साथ। तकनीक अपनाने में तजुर्बा रखने वाले किसान भी पीछे नहीं, ये साबित किया है आर बांगड़ू साहब ने। और आइए अब देख लेते हैं कि इस कैटेगरी में नेशनल विनर कौन है। लीक से हटकर सोचने वाले बदलाव लाकर ही दम लेते हैं, ऐसे ही सोच रखने वाले किसान हैं मोइनुद्दीन शेख। आपके इलाके के ज्यादातर लोग धान की खेती में लगे हैं, ऐसे में आपने इससे हटकर रेड कैबेज, ब्रोकली, लाल और पीली शिमला मिर्च और फ्रेंच बीन जैसी सब्जियों का उत्पादन शुरू किया। सस्ते शेड नेट में आप रंगीन शिमला मिर्च और ट्यूब रोज की खेती कर रहे हैं। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग की मदद से आप पानी की कमी को पूरा करने में कामयाब रहे। वहीं बायो पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से कीटनाशकों पर आने वाला खर्च भी खत्म हो गया। ऑफ सीजन में सब्जियों के उत्पादन से आपको बाजार से बेहतर दाम मिले। अपनी आधुनिक सोच के लिए मोइनुद्दीन शेख को मोर देन 20 एकर्स कैटेगरी में महिंद्रा कृषक सम्राट सम्मान से सम्मानित किया जाता है। तालियों के साथ मंच पर स्वागत कीजिए पश्चिम बंगाल के मोहम्मद मोइनुद्दीन का। आपको बहुत बहुत बधाई। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली अवार्ड कैटेगरी की तरफ और ये है यूथ कैटेगरी। साल 2012 में महिंद्रा समृद्धि कृषि युवा सम्मान हमने इस अवार्ड में जोड़ा था। हम कह सकते हैं इस मकसद में हम काफ़ी हद तक कामयाब हो पाए हैं, क्योंकि हर साल यूथ कैटेगरी में नॉमिनेशंस की संख्या बढ़ती जा रही है। जल्दी से आपको दिखा देते हैं इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस। महिंद्रा समृद्धि कृषि युवा सम्मान यूथ कैटेगरी के नॉमिनेशंस हैं नॉर्थ जोन उत्तर प्रदेश से प्रशांत सिंह, ईस्ट जोन बिहार से राहुल सिंह, वेस्ट जोन गुजरात से रेशमाबेन पटेल, साउथ जोन कर्नाटक से प्रभु कित्तूर। तो महिंद्रा अर्जुन नोवो और युवाओं में हम आपको बता दें एक बात समान है, दोनों से उम्मीदें अपार हैं। यहाँ तो तालियों के साथ मंच पर स्वागत कीजिए उत्तर प्रदेश के युवा प्रशांत सिंह का। अब हम मंच पर बुलाने जा रहे हैं बिहार के राहुल सिंह को, वो भी कृपया मंच पर आए और ये सम्मान स्वीकार करें। और इनके बाद हम बुला रहे हैं कर्नाटक के प्रभु कित्तूर को मंच पर सम्मान स्वीकार करने के लिए। जोरदार तालियां प्रभु कित्तूर के लिए भी आज की शाम, ये सम्मान उनके नाम। और अब देखते हैं कौन है वो युवा किसान जिससे कृषि जगत को ढेरों उम्मीदें हैं। जज्बा और जुनून हो तो इंसान किसी भी क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर सकता है। बीकॉम करने के बाद जब रेशमा ने खेती को फुल टाइम प्रोफेशन बनाया तो उनके सामने चुनौती शहद की गिरती गुणवत्ता में सुधार करने की थी। इसके लिए रेशमा ने ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर दिया और वैदिक तरीके से 27 किस्म के प्राकृतिक स्वाद वाले शहद का उत्पादन शुरू किया। इससे शहद की न सिर्फ क्वांटिटी और क्वालिटी बेहतर हुई बल्कि पर्यावरण को भी फायदा हुआ। शहद के साथ बनने वाले दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे रॉयल जेली, पॉलेंस और बी वैक्स के बिकने से आपको अतिरिक्त आय का साधन भी मिला। देश के कई किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के फायदों के बारे में जागरूक करने के लिए आपको कई मंच पर सम्मानित भी किया जा चुका है। अपनी आधुनिक सोच से अपना और दूसरों का फायदा बढ़ाने के लिए रेशमा बेन को महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2015 में कृषि युवा सम्मान से सम्मानित किया जाता है। तालियों के साथ मंच पर स्वागत कीजिए गुजरात से रेशमा बेन पटेल का। वैसे तो खेती को पुरुष प्रधान माना जाता है लेकिन महिलाएं अब हर सेक्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, इसलिए जोरदार तालियां, ये तालियां जारी रहनी चाहिए महिलाओं के लिए। महिंद्रा समृद्धि कृषि प्रेरणा सम्मान फीमेल कैटेगरी, और इस कैटेगरी में भी 3 रीजनल और 1 नेशनल विनर है। इस कैटेगरी के नॉमिनेशन हैं महिंद्रा कृषि प्रेरणा सम्मान
फीमेल कैटेगरी के नॉमिनेशंस हैं नॉर्थ जोन राजस्थान से कमली देवी माहेविया, ईस्ट जोन असम से सुमी बोर्दोलोई, वेस्ट जोन महाराष्ट्र से कुंदा राजाराम चौधरी, साउथ जोन कर्नाटक से लक्ष्मी लोको। हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं जयपुर राजस्थान की श्रीमती कमली देवी माहेरिया को। और अब हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे इसी के साथ असम की श्रीमती सुमी बोर्दोलोई। और अब तालियों के साथ स्वागत कीजिए महाराष्ट्र की कुंदा राजाराम चौधरी का। आपसे अनुरोध है कि कृपया मंच पर आएं और ये सम्मान स्वीकार करें। और अब बारी है इस कैटेगरी की नेशनल विनर का नाम घोषित करने की। लक्ष्मी ने जब बैग मैन्युफैक्चरिंग का जमा जमाया बिजनेस छोड़कर खेती में हाथ आजमाने की तरफ कदम बढ़ाया तब उन्हें अंदाजा था कि ये राह आसान नहीं होगी। आपने तरबूज की खेती में कई सफल प्रयोग किए। कम पानी वाले इलाके में तरबूज की खेती के लिए आपने पूसा हाइड्रोजेल का इस्तेमाल किया। आपने खेत में प्लास्टिक मल्च भी बिछाया। इसका दोहरा फायदा हुआ, एक तो खेत में खरपतवार पैदा नहीं हुई और दूसरा तरबूज का आकार भी बड़ा हो गया। आपने बेहतर मार्केट की तलाश में ऑनलाइन मार्केटिंग नेटवर्क बनाया। आप मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से सीधे ग्राहक से जुड़े। ये आपकी मेहनत का ही नतीजा है कि एक एकड़ से शुरू हुई खेती अब 22 एकड़ में फैल गई है। लक्ष्मी लोकुर, आपके हौसले और कामयाबी को महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2015 में प्रेरणा सम्मान से सम्मानित किया जाता है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कर्नाटक की लक्ष्मी लोकुर जी का। मैं अनुरोध करूंगा श्री आनंद महिंद्रा से इस शाम के खास मकसद और इस शाम से आगे कहां हम इस सम्मान को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, हमें रूबरू करें। जब से महिंद्रा समृद्धि अवार्ड्स शुरू हुए हैं हम इन अवार्ड्स की पहुंच और प्रभाव को लगातार बहुत बढ़ते हुए देख रहे हैं। एंड दिस ईयर द थीम फॉर दीज अवार्ड्स इज फार्मिंग द फ्यूचर and I find it very encouraging that many of our farmers are indeed using technology to successfully deal with an increasingly uncertain future. Jab hum Mahindra group ke log bhavishya ki kheti ki baat karte hain to hamara matlab is tarah ke bhavishya se hota hai jahan kisanon ki income badhe aur unki zindagi behtar bane. Kya Bharat ek antarrashtriya taakat ban sakta hai यदि उसका कृषि उत्पादन ना बढ़े? हमारे खेतों में मेहनत करने वाले हमारे किसान भाई बहन ही भारत को उस ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। आज के हमारे अवार्ड विनर्स और इस देश के हमारे किसान भाई बहन ही हमारे देश के हीरे और मोती हैं। आप सबको मेरी बधाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2015 की ये शाम आज अपने सबसे खास मोड़ पर पहुंच गई है जहां सम्मानित की जाएगी भारतीय कृषि से जुड़ी महान शख्सियत। और इस साल जिस महान शख्सियत को ये सम्मान दिया जा रहा है वो भारतीय कृषि से जुड़ी रिसर्च के पायनियर। एक अनाज आयात करने वाले देश में पैदा हुए प्रोफेसर राम बदन सिंह के मन में बचपन से ही देश की इस स्थिति को लेकर टीस थी। वो जानते थे कि अगर आज हमने कारगर कदम नहीं उठाए तो हमारी आने वाली पीढ़ी गरीबी के दलदल से नहीं निकल पाएगी। इसलिए आपने कृषि की पढ़ाई करने का फैसला किया। एमएससी करने के बाद आपने यूएसए से जेनेटिक्स में पीएचडी की डिग्री हासिल की। आपका लक्ष्य देश की कृषि को ऐश्वर्य से भरपूर बनाना था। ये आपकी लगन और कठिन परिश्रम का नतीजा ही था कि देश में
कृषि के हालात बेहतर होने लगे। आपने गेहूं, चावल, दाल, कॉटन और ऑयल सीड्स की मॉडर्न वैरायटीज तैयार की। आपकी रिसर्च ने देश की कृषि को नई दिशा दी। 300 रिसर्च, पॉलिसी पेपर्स और 12 किताबों को लिखने का श्रेय आपको जाता है। आप 40 पीएचडी थीसिस को भी गाइड कर चुके हैं। भारतीय किसानों के लिए काम करने की इच्छा आपके मन में हमेशा रही। आपने यूनाइटेड नेशंस की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO की नौकरी छोड़ देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में से एक IARI की बागडोर संभाली। पद्म भूषण जैसे कई प्रतिष्ठित नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित प्रोफेसर RB सिंह, आपके प्रयासों के लिए भारत सरकार भी आपकी आभारी है। कृषि क्षेत्र में आपके अमूल्य योगदान के लिए आपको महिंद्रा कृषि शिरोमणि सम्मान से सम्मानित करने पर आज हम गर्व महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर RB सिंह, जोरदार तालियां हो जाएं डॉक्टर RB सिंह के लिए, जो अपने आप में एक संस्थान है और ये आज हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे बीच वो आज उपस्थित हैं। और आप जैसे ज्ञानी डॉक्टर से जितना सुनने को मिले उतना कम है, लेकिन फिर भी हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आज की शाम इस खास मौके पर कुछ शब्द साझा करें। इस समारोह में सभी पुरस्कृत जनों, देवियों, सज्जनों, आप सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं कि आप और आगे दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करें। इनोवेटिव फार्मिंग के जरिए फार्म प्रोडक्टिविटी एवं रूरल प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाना महिंद्रा समृद्धि का एक बहुत ही सराहनीय योगदान है। जन जल योजना एश्योर्ड मिनिमम नेट इनकम ऑफ फार्मर्स, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, रूरल डेमोग्राफिक डिविडेंड्स, जिनका किसान नीति से और आपकी जो कि प्रस्तुत नीतियाँ हैं उनमें विशेष उल्लेख है, और मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही ये नीतियाँ कार्यान्वित होंगी आपके संरक्षण में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर RB सिंह आपका, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई आज ये सम्मान मिलने के लिए। और साथ ही साथ जिन चुनौतियों का जिक्र यहाँ पर श्री RB सिंह जी ने किया, अब उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा और समृद्ध राष्ट्र की तस्वीर अब कैसे पूरी हो, इसके लिए अब हम अनुरोध करेंगे आज की शाम के मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी से कि समृद्धि की ओर बढ़ रहे कृषि जगत का अपने शब्दों में मार्गदर्शन करें। बढ़ती हुई आबादी और खेती योग्य जमीन का न बढ़ना निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हमारा फूड सिक्योरिटी है उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी देना, कर्जा माफी करना, ये सारे अभियान हमारे पिछले 20 वर्षों के अंदर चलते रहे उत्पादन बढ़ाने के लिए, और उसका परिणाम आज साफ दिखाई दे रहा है कि उत्पादन लागत बढ़ता गया। हमारी सरकार ने तय किया 17 के अंत तक हिंदुस्तान के 14 करोड़ किसानों के पॉकेट में हम निश्चित रूप से सॉयल हेल्थ कार्ड देने वाले। देश के हर रूरल एरिया में, हर ब्लॉक तहसील के अंदर कृषि औजार बैंक की स्थापना, कि हिंदुस्तान को अधि मजबूत बनाना है तो कृषि और किसान को मजबूत बनाना पड़ेगा, गांव को मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक किसान मजबूत नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान नहीं मजबूत हो सकता। जो महिंद्रा समृद्धि आपकी संस्था है, ये जो पूरे देश में प्रयास कर रहा हूँ, इसकी जितनी भी प्रशंसा मैं करूँ वो कम होगा। मैं इसके सफलता की कामना करता हूँ। हम उन चुनौतियों का न सिर्फ सामना करेंगे बल्कि उन पर विजय भी प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।
श्री राधा मोहन सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स के 5वें एडिशन में आप आए, हमारे किसान भाइयों को संबोधित किया। आपका कहा हर शब्द हमारे किसान भाइयों और कृषि संस्थाओं को फार्मिंग द फ्यूचर का उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा। अब हमारी गुजारिश है डॉक्टर पवन गोयनका जी से कि आज की शाम के बारे में वो भी चंद शब्द कहें। टुडे वाज़ अ फिफ्थ एडिशन ऑफ एग्री अवार्ड्स एंड इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट मेनी ऑफ यू। आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्नॉलेज द आर्डेंट एफर्ट्स ऑफ ईच वन ऑफ यू हु हैव हेल्प्ड क्रिएट दिस इवेंट and making it one of the most coveted award in the agri space. I especially would like to thank Sri Radha Mohan Singh ji, Sri S.S. Bhaguna ji. I would also like to thank all the jury and pre-jury members who helped in identifying heroes of Indian agriculture. I salute all the heroes, Indian farmers, individuals, and institutions all across the country who have come here and all those who participated in our program. Until we meet again next year, I'm sure that with your continued patronage, the sixth edition of the Mahindra Samriddhi of India Agri Award 2016 will be even bigger and better. Thank you. Dhanyawad. Dr. Goenka ji, bahut bahut shukriya aapka. Aaj ki shaam humne kai bemisal kamyabiyon ki kahaniyan dekhi hain aur hum manch par aamantrit karte hain is shaam ko aur yaadgar banane ke liye ek group photo ka hissa banne ke liye. सभी कैटेगरीज के विजेता यहां मंच पर आएं और ग्रुप फोटोग्राफ का हिस्सा बनें। महिंद्रा की इस पहल से न वैज्ञानिकों के साथ साथ किसानों को भी बहुत सारा उत्साहवर्धक होता है। उत्साह बढ़ने से उनको जो है ज़्यादा अच्छा काम करने की लगन पैदा होती है। ये बहुत बड़ा सम्मान है विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के लिए, प्राध्यापकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और वहाँ पर काम कर रहे हजारों श्रमिकों के लिए जिनकी मेहनत आज पूरे देश में दिखाई जा रही है। ये जो सम्मान का जो आयोजन महिंद्रा ने किया है इनोवेटिव और ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट इवेंट है। तो जो हम लोग की नई तकनीक है कुछ है किसानों तक पहुंचती है तो किसानों में उत्सुकता जागरण होगी तो वो भी कोशिश करेंगे हम भी कृषि को एक व्यवसाय माने। मुझे जब पहले जिला स्तरीय अवार्ड मिला तो मेरी एक हिम्मत बढ़ी और मैं आगे बढ़ता चला गया और आज मुझे नेशनल अवार्ड के साथ साथ ही महिंद्रा समृद्धि अवार्ड भी मिला है। जो अवार्ड मिला है मेरे को मैं इससे बहुत गदगद हूँ। ग्राउंड लेवल पे जो महिंद्रा कंपनी और महिंद्रा ट्रैक्टर का जो सहयोग रहा है हमारे लिए जो एक गणमान्य माना जाता है। ये जो अवार्ड दे रहे हैं ये लोग ये बहुत नेक काम कर रहे हैं क्योंकि फार्मर को सही में ऐसी कोई पहचान की आज ज़रूरत है। मैं पहले तो महिंद्रा का खूब खूब आभार मानना चाहूँगी और मुझे बहुत खुशी भी है इसके साथ कि मुझे इतना बड़ा अवार्ड मिला है। ये एग्जैक्टली ये अवार्ड्स पॉपुलर इसलिए हैं कि ये सेलिब्रिटीज़ के लिए नहीं है और एक कॉमन किसान के लिए है जो अपने या प्रोफेसर्स या यूनिवर्सिटीज़ लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के बहुत कम प्लेटफॉर्म्स है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग एंड यूनिक।